ओम हरि ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम हरि ओम। येन बुद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन द्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल मृतेन दीक्षाया आप्नोति दीक्षाया आप्नोति दक्षिणा दीक्षा आप्नोति दक्षिणा श्रद्धा श्रद्धा सत्यमाप्यते। ओम मनु ज्योतिर्जुगता माजस्य बृहस्पति यज्ञाभिमनोतरिष्टं यज्ञगुं संवन्दनातु विश्वे देवा देवादिन्द्रामं प्रतिष्ठाय कवि प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रेदेन यज्ञेन यजन्तेन सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। हरिः ओम मनु ज्योतिर्जुगता माजस्य बृहस्पति यज्ञाभिमनोतरिष्टं यज्ञगुं संवन्दनातु विश्वे देवा यमादिन्दामं प्रतिष्ठ। ओम हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भूपा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वायः पृथिव्यां वायो गदीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे विष्णोराराटमसि विष्णो सर्वेषु विष्णो स्यूरसि विष्णो द्रवमसि वैष्णवमसि विष्णवे तव ॐग्निर्देवता वायु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवते देवता वरुणो देवता। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराभ शान्तिरौघधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ॐ विश्वानि देव सविदधुरिधानि पराशुभ यद्वरं धान्यमाशुभ इमा रुद्राय तवस् कपर्दिने क्षय विराय प्रभरा महे मते यदाशम षद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुषं ग्रामे अस्मिन्नरातुरं मा एदं ते देवत विदुर्यज्ञं बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवधेन यज्ञपतितेन मामव मनो ज्योतिरजुगता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोद्वरिषं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा सयमादयन्तामो प्रतिष्ठा एकभि प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रेतेन यज्ञेन जसन्ति सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। हरि ओम गणानां गणपतिगं हवामहे प्रियानां प्रियपतिगं हवामहे निधीनां निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम नमो गणेभ्यो गणपतिभिषभो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभिषभो नमो नमो कृतसेभ्यो कृतस्पतिभिषभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विषभो नमो नमः। समुखे गदन्तस्य कपिलोकर्णकालम्बोदरस्य विष्टो विनाशो विनाय धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या प्रेक्षुणापि
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संसारामे संघटे चेव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लां वर्धनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं वृधं संवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ताय। आभीष्ट सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके चरणे त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम शचिभृन्द्राभ्यां नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम मात्रे पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। ओम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम हृदये बुद्धि चैताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णोः अथ संकल्पम्। तस्सश्वेतवारः कल्पे भैवस्तवमिन्द्रेष्टा विंशति तमी कलियुगे तत्पदं चरणे बुधावतारे श्यामलदीपे कनडादेशे हमिल्टन् नामस्य नगरे। मासोत्तमे मासे शुभे शुभमासे फाल्गुणमासे शुक्लपक्षस्य पूनम्यां पुण्यतिथौ शुभवार वासरे गुरुवार वासरे। राशिस्थिते सूर्यराशिस्थिते चन्द्रराशिस्थिते सुसत्सु ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां गोत्रो उत्पन्नाहम्। सभी अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना अपना नाम ले लीजिए, परिवार में सभी का नाम ले लेंगे। सब परिवारो हम गृहे सुख समृद्धि वृद्ध्यार्थम च कायवाधिमानसिकसांसर्गिकाध्यात्मवस्थायां शुद्धिष्टि प्राप्त्यर्थं च श्री सत्यनारायण देवतानां वृन्दार्थं च अद्यस्मिन् दिने गणपति देवतानां वृन्दार्थं च अर्चनं वन्दनं च अहं कारिष्यामि। यज्ञाग्रतो दूरमुदेति देवं तथैवेति दूरं गमं ज्योतिकां ज्योतिकान्तं मे महा सेवासङ्कल्पमस्तु। ॐ पादपाद्यमस्तर्गमुख्याद्यं सर्वाङ्गेषु तनानीं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमः। वहां से प्लेट ले लीजिए अंदर से ना, एक बाउल अंदर से बुला लीजिए, उसमें डाल दीजिए अंदर की जमीन कथा कर। ओम हरिम वस्त्र वस्त्रम समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। वस्त्रम ते उपवस्त्रम उपवस्त्रम ते गन्धानुलेप्यामि गन्धद्वारा धुरा धुर्जा नित्यं पुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियं गन्धानुलेप्यामि अक्षतां श्रेष्ठं कुङ्कुमं शोभितं मयोपादं पादं तुभ्यं वाससी प्रदीतां अक्षतां समर्पयामि। ॐ मालदेवी सुगन्धिनी माल्यादेनी वेपुतानि पुष्पाणि भोजयर्थं प्रदीयताम्। ॐ गजाननाय नमः। ॐ गणाध्यक्षाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः। ॐ विनायकाय नमः। ॐ दुईमातुराय नमः। ॐ सन्मुखाय नमः। ॐ ज्ञानदीपाय नमः। ॐ सुखनिधये नमः। ॐ सुराध्यक्षाय नमः। ॐ विघ्नहर्त्रे नमः। ॐ विघ्नहर्त्रे नमः। ॐ विश्वनेत्रे नमः। ॐ नमः। ॐ स्वराजे नमः। ॐ वाक्पतये नमः। ॐ शृङ्गारिणे नमः। ॐ भद्वस्त्राय नमः। ॐ शिखरकारिणे नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः। ॐ भरसिद्धिविनायकाय नमो नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूचो अजायत श्रोत्राय च प्राण च मुख दग्निरजाय ॐ ज्योतिर्ज्योतिर्स्वाहाकारमध्यामि नैवेद्यम्। ॐ नाभ्यासेन्द्रक्षकुं शिष्णोद्योतमवर्धत पद्म्याम्बुमृषाः श्रोत्रान्तदा लोका अकल्पयन्न। ॐ या फलिनिर्याफलापुप्पा या चिणिः बृहस्पतिकृतस्तान्मुञ्च त्वग्मुहसः ऋतुफलं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ऋतुफलं ते ॐ पुङ्गीफलमादिभ्यं नागवल्येदलेरितम् एरादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिक्रियतां ताम्बूलपुङ्गीफलं समर्पयामि प्रार्थना। विघ्नेश्वराय वरदा यसुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
कपिधजम्बूफलचारुभक्षण उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ बुलिगणपते महाराज की जय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। पादर्वाद्यमस्तर्गे मुख्यात्मिम सर्वांगे जुसनानिम समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाश्च पुष्पाणि सर्वरूदिनिम्बवदं मुरुकुम्भजं वस्त्रं समर्पयामि। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। वस्त्रं ते उपवस्त्रं उपवस्त्रं ते यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं वर्मं पवित्रं प्रजापतिः सहजं पुरस्तात् यज्ञोच्युक्तं वर्मस्तु तेजः गन्धं नुलेप्यमे गन्धधारां दराधरजा नित्यं पुष्टागृहिणी श्री सर्वभूतानां आम्योपैश्रियं माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि विप्रभो वर्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमालां समर्पयामि आरार्धिकम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राधायश्च कानश्च मुखाधुनीर्जायत नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम नाभ्याय धुन्धरीक्षकुं शिष्णो देहो समवर्तत पद्म्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान्तः लोकान् अकल्पयन्। ओम याः फलिनीर्या फलापुष्पा याः च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतामुज्य महादिव्यं नागबल्लैर्दलैर्दं मेलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिक्रियताम् अर्चनम्। ओम सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यमने नमः। ओम सत्यभूताय नमः। ओम सत्यपुरुषाय नमः। ओम सत्यनाथाय नमः। ओम सत्यरक्षणे नमः। ओम सत्ययोगाय नमः। ओम सत्यज्ञानाय नमः। ओम सत्यज्ञाय नमः। ओम सत्यनिधये नमः। ओम सत्यप्रभुवे नमः। ओम सत्येश्वराय नमः। ओम सत्यकर्मणे नमः। ओम सत्यमंगलाय नमः। ओम सत्यपराजिताय नमः। ओम सत्यसिद्धाय नमः। ओम सत्यवीराय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। ओम सत्यप्राणाय नमः। ओम सत्यशाश्वताय नमः। ओम सत्यविक्रमणये नमः। ओम सत्यधन्विने नमः। ओम सत्यमेधाय नमः। ओम सत्यधीशाय नमः। ओम सत्यकृतवे नमः। ओम सत्यकलाय नमः। ओम सत्यवत्सलाय नमः। ओम सत्यवसाय नमः। ओम सत्यब्रह्मण्ये नमः। ओम सत्यवक्त्राय नमः। ओम सत्यशुचये नमः। ओम सत्येन्द्राय नमः। ओम सत्यसत्याय नमः। ओम सत्यम्बुजाय नमः। ओम सत्यगुराय नमः। ओम सत्यसाक्षिणे नमः। ओम सत्यवायुवे नमः। ओम सत्याश्रिपदाय नमः। ओम सत्यनालाय नमः। ओम शस्त्रहस्ताय नमः। ओम सत्यशिरसे नमः। ओम सत्यगिरिरूपाय नमः। ओम सत्यप्राणयोध्याय नमो नमः। प्रार्थना शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे सन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसीयसाहिने नमो वयं वैश्वनाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वर वैष्णवो दधातु कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्प्रयाय स्या सर्वभौमा सर्वा उका अन्तादा प्रादा समुद्र पर्यन्ताय एकदारिते तदपय श्लोको विगीतो मृता भ्रष्टारो वसन गृहे आवीक्षिका विश्वे देवा सभा सत् इति। ओम विश्वतक्षरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पा संबाहुभ्यं धमति संपत्रे ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम नारणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण प्रमेश्वर। बोल नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण व्रत कथा अथ प्रथमो अध्याय। व्यास उवाच एकानेशारण्य ऋष्यशोणकाल्य प्रवेशा मुने सर्वेषु तं पुराणिकं खलु। व्याहृष्यो उवाच वृते तपसा किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलं तत्स्वयं समुच्चयामः मुने। व्यास बोले एक समय नैमिषारण्य तीर्थ वेशोणा आदि 88,000 ऋषि प्राण वेता सूत जी से पूछने लगे, जिस व्रत अथवा तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसको सुनने की हमारी इच्छा है। हे महर्षि, आप भगवान ने देव ऋषि हमारी सुनने की इच्छा है। विष्णु भगवान ने देव ऋषि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से लेखा ने लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार नाश को प्राप्त हो ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु रूप में आ गए। वहां भगवान विष्णु श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म एवं वन मालाओं से अलंकृत देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान को देखकर स्तुति के लिए उदित हुए। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से अगोचर रूप वाले अमित शक्ति और आदि मध्य अंत रहित और रजोगुण आदि से रहित और गुण आत्मा अखिल सृष्टि के भूता तथा भक्तों का दुख विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। तदंतर विष्णु भगवान ऐसी स्तुति सुनकर नारद जी से बोले, हे नारद, तुम्हारे आने का कारण क्या है और तुम्हारे मन में क्या है? हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ मुझसे कहो, उस सब का उत्तर मैं दूंगा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से बहुत दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताएं उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से श्रेष्ठ बात पूछी है। जिस उपाय करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे सुनो। मैं तुम्हें कहता हूँ, जो प्रभु पुण्यदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ व्रत है, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण जी के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, यदि इस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं इस व्रत को किसने किया है तथा इसे कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करो।
श्री भगवान बोले, यह दुख और शोक को शांत करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला तथा शोभा के संतान और सर्वत्र विजय को देने वाला और जिस किसी दिन भी मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या समय भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करें, ब्राह्मण और बंधु बांधव से कर्म में तत्पर हो, नैवेद्य और सवैया प्रसाद भक्ति से अर्पण करें, केले का फल घी दूध गेहूं का चूर्ण ले, गेहूं के अभाव में साकी का चूर्ण लेना चाहिए, पूरा तथा गुड़ लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान को भोग लगावे, अपने बंधु बांधवों से कथा श्रवण करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे, तत्पश्चात बंधु बांधवों से ब्राह्मण को भोजन करावे, फिर भक्ति से प्रसाद भक्षण करें और नृत्य गीत आदि आचरण करने के पश्चात लोग सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाएं। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण होगी, विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण से प्रेम करने वाले भगवान ब्राह्मण को
दुखी देखकर बुरे ब्राह्मण का उदाहरण कर पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे मित्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाह फल देने वाले हैं, इसलिए ही ब्राह्मण उनका पूजन और व्रत कर जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधि विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का उद्धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वही मंत्र ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, ऐसा निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण सकल दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण प्रति मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे जो भी मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण द्वारा कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो, और अब क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, यह सब कथा हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे में बड़ी श्रद्धा है। सूची बोली, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उदित हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया, बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा, ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, यह विस्तार पूर्वक कहें। ब्राह्मण बोला, सब कामनाएं पूरी करने वाली है सत्यनारायण जी का व्रत है, उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और जल पीकर वह प्रसाद खाकर अपने घर को गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दुगना दाम प्राप्त हुए। तब वह प्रसन्न होकर पके केले, फली, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा किया और सवैया लेकर अपने घर की ओर चल गया तथा सब भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन उत्तरादेव से युक्त हुआ और संसार में सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण।
सत्तमा पुरा उल्का मुखो नाम निपुंसन महामति जतेन्द्रिय सत्वादि यजो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान तोषय सुधा। सूर्य बोले हे मुनि श्रेष्ठ अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जतेन्द्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट रखता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत भांति का धन था। नौका को किनारे पर ठहरा कर वह राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन भक्ति युक्त चित से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है सो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन मुझसे यह सब विधान करो, मैं भी तुम्हारे कथन अनुसार यह व्रत का पूजन करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी राजा से सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान के देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि उसके संतान होगी तब वह भी इस व्रत को करेगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धर्म में प्रवृत्त हो गई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा उसके दसवें माह में उसकी एक श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा, आपने संकल्प किया हुआ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत क्यों नहीं करते? वैश्य बोला, हे प्रिय इसके विवाह के समय करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पित्री कह रहे हैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो युवा हो गई। वैश्य ने जब नगर में सहेलियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मवीर ने दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करें। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर आया। वैश्य ने अपने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बांधवों सहित संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। प्रारंभ से विवाह के समय में वैश्य व्रत करना भूल गया जिस कारण भगवान रिष्ट हो गए। अपने कर्म में वैश्य प्रवीण वैश्य उस समय पीछे जयमाता से व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रतन नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचकर सत्यनारायण भगवान ने उनको अब उसको प्रतिक्रिया दृष्टि देखकर श्राप दिया कि वैश्य को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा का धन को लेकर चोर वहां गए जहां ये दोनों ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते आते हुए देखकर भयभीत होकर माल वहां ही छोड़कर चोर छिप गए। जब राजा के दूत उस वैश्य के पास पहुंचे तो वहां पर राजा का धन रखा देखा। उन दोनों वैश्य को ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं। देखकर आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता के साथ बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की माया के वशीभूत हो किसी ने भी उनका कहा नहीं सुना। उन दोनों का धन भी चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। इस श्राप के द्वारा उसकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो भी धन था चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में वह घर घर फिरने लगी। एक दिन कलावती से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती कन्या को प्रेम से कहा, हे पुत्री रात में कहां थी तथा तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाले व्रत को देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन वैश्य की स्त्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य स्त्री ने अपने कुटुंबियों और बंधुओं के साथ
व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि उसका पति तथा पति और जयमाता शीघ्र ही घर आ जाएं और प्रार्थना की कि उन दोनों का अपराध क्षमा हो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से फिर संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, बंदी वैश्य को प्रातः ही छोड़ देना और वह सारा धन जो तुमने उनसे छीन लिया है उसे उन्हें दे देना, नहीं तो मैं तेरा राज्य धन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों को बंधन खोल राजा के पास लेकर विनयपूर्वक कहा कि हम दोनों वैश्य पुत्रों को पीढ़ी से बंधन मुक्त कर ले आए हैं। इन दोनों ने चंद्रकेतु को प्रणाम किया, पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ भी नहीं कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर से कहा, प्रारब्ध से तुमने अत्यंत दुख उठाया है, अब कुछ डर नहीं है और उनकी बेड़ियां निकलवा कर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्र भूषण देकर उन्हें विदा किया और कहा कि आप अपने घर जाओ। दोनों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि अब आपकी कृपा से जाएंगे, कहकर दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंताकुल हुआ। उस समय उसके जयमाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह डंडी स्वामी का श्राप है, वह सब कुछ कर सकते हैं, इस में संदेह नहीं, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तब ही हमारी इच्छा पूर्ण होगी। जयमाता के वचन सुनकर वैश्य डंडी के पास पहुंचा और डंडी को देखकर अत्यंत भक्तिभाव आदर के साथ नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उस मेरे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो गया उस वैश्य को इस तरह विलाप करते हुए देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत और मेरे वचन सुन, तुम मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया। हे दुर्बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा से बार बार दुख पाया,
भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करने को तैयार हुआ। वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूपों को नहीं जानते, तब मुझ जैसा द्रौपदी आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न होइए, मैं ऐश्वर्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन कर दो। वैश्य का भक्ति से भरा वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी देखा तो कहा कि भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से मन चाह फल प्राप्त हुआ है और साथियों से यथाविधि पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्न पूर्वक नौका को जोड़ अपने देश की ओर चल दिया। वैश्य ने जयमाता से कहा कि अपनी रतनपुरी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजा। दूत ने नगर में जाकर और वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य जयमाता तथा बंधु बांधवों से नगर के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण जी की पूजा कर अपनी कन्या से बोली, हे पुत्री, मैं चलती हूँ दर्शन करने के लिए शीघ्र ही। हाँ, माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह भी पति की ओर चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध कर उसके स्वामी का धन सहित नौका को धो दिया। कलापति ने अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती हुई भूमि पर जा पड़ी। इस तरह नौका को न देख और कन्या को रोती देख वैश्य ने व्याकुल होकर कहा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। सारे मल्लभ कसरस करने लगे, चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करते हुए अपने पति से बोली, अभी नौका सही वह कहाँ छिप गए? मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप के कारण नौका भरी गई। सत्यनारायण भगवान का महत्व भी कोई नहीं जान सकता। यह कैश्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती ने स्वामी को न पाकर दुखी होकर प्राण लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देखकर वैश्य और उसकी स्त्री शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। ये तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया, अब मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान बारम्बार भूमि पर गिर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दिनों के पान करने वाले भगवान प्रसन्न हुए, दया से पूर्ण होकर वैश्य से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। घर जाए प्रसाद खाकर लौट आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ऐसे आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर गई, प्रसाद खाकर आई तो पति को वहां पाया। तब कलावती ने अपने पति के पास आई और कहा कि अब घर चलिए, क्यों देर करते हैं। कन्या के वचन सुनकर वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण भगवान जी का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधवों से अपने घर गया और पूर्णमासी संक्रांति को सदैव सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में गया। बोल सत्यनारायण भगवान की श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् लक्ष्मी नारायण प्रसाद सत्यदेवश्च दुग्धक्ष
मप्यसर एकदाशर वनम गत्वा त्वा बहुविधा पशुं। सूत जी बोले, हे ऋषियों आगे कहता हूं सुनो। प्रजापालन में ही कुंभज नाम का एक राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख उठाया। एक समय वन में जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर वह वट के पेड़ के नीचे आया। वहां भक्ति भाव से बंधुओं सहित ग्वाल लोगों को सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान से वहां न गया, न नमस्कार किया। सब ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद राजा के समीप रख कर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद खाया। वह राजा प्रसाद त्याग कर दुख को पहुंचा। उसके सौपुत्र तथा धन धान्य आदि नष्ट हो गया। भगवान ने यह सर्वनाश किया है ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूं जहां भगवान जी का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार करके वह ग्वालों के समीप किया। तब उस राजा ने भक्ति और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन और पुत्रों आदि से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने के पश्चात सत्य भोग हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता है और भक्ति भाव से फलदायक पुण्य का कथा को सुनता है, भगवान जी की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है। निर्धन धन पाते हैं और बंदी बंधनों से छूट जाते हैं। भीति भय का भय मुक्त हो जाता है। इसमें निस्संदेह मन में इसमें कोई संदेह नहीं। मन चाह फल भोग कर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण जी का व्रत कहा जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण जी की पूजा फलदायी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेक रूप धारण कर वह सब की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ वो सत्यनारायण जी का व्रत होगा जो सब इच्छा पर प्राप्ति कराएगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है सत्यनारायण जी की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण जी का व्रत किया मुनीश्वर उनके अगले जन्मों को कहता हूँ। बुद्धिमान सदानंद ने सुदामा का जन्म लिया, जिसने उसी जन्म में कृष्ण जी का ध्यान कर मोक्ष पाया। लकड़हारा भील गुराज बना जो राम जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उनका मुख्य नाम का राजा दशरथ हुए। वह रंगनाथ जी की पूजा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा साधु मोहध्वज हुए, जिसने अपने पुत्र को आर्य से आधार चिरा कर श्री कृष्ण भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज कुंभध्वज उत्सव भी मुनि हुए जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष पाया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन खड़े हो जाएं, आरती करेंगे। आ जाइए, आ जाइए, आरती ले लीजिए। अभी सिर्फ सत्यनारायण जी की आरती करेंगे, बाद में दूसरी करेंगे। उसके बाद हम अपनी कथा सुना देंगे आज की जो है। Thank you.
Oh.